कहते हैं शक का कीड़ा जिसे लग जाए उस पर कोई दवा काम नहीं करती और वो इंसान फिर हैवानों से भी बदतर हो जाता है। पुलिस की गिरफ्त में दिख रहे इस शख्स को भी शक की ऐसी बीमारी लगी कि इसने अपनी पत्नी को ही मौत के घाट उतार दिया। इस बेदर्द और बेरहम पति की क्रूरता की दास्तां अगर आप सुन लेंगे तो यकीनन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बेरहमी से अपनी पत्नी की हत्या करने के बावजूद इसके चेहरे पर अफसोस की एक शिकन तक नजर नहीं आती। खैर, अब जरा तफसील से आपको बताती हैं कि कैसे शक के आगोश में डूब चुका ये आरोपी अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार देता है। अपने हस्बैंड के साथ थोड़ी सी तकरार रहती है, उस चीज़ की आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाता है और वो फिर हमारे घर भी आ जाती है। उसके ब्रदर नहीं बताया, मदर नहीं बताया था, तो उस चीज़ पर काम करते हुए फिर उसके हस्बैंड तक पहुँचे थे। तो हस्बैंड को हमने वो जब पकड़ा और उससे थोड़े से पूछताछ की तो उसने बता दिया था सारा इंसिडेंट कि भाई मैंने मर्डर किया है, तो इस चीज़ पर हमने उसको अरेस्ट किया है। कैथल जिले में बरसाना हावड़ी रोड पर पराली के ढेर में युवती की अधजली लाश मिलने के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इस हत्याकांड में पुलिस ने मृतका के पति शैलेंद्र को गिरफ्तार किया है। आरोपी शैलेंद्र बरसाना गांव का रहने वाला है। शैलेंद्र और प्रियंका की शादी को 12 साल हो गए थे, लेकिन फिर भी शैलेंद्र को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था। इसी शक की वजह से वो हर रोज अपनी पत्नी से लड़ता और उसके साथ मारपीट करता था। काफी दिनों से आरोपी शैलेंद्र और उसकी पत्नी प्रियंका के बीच बातचीत बंद थी। शैलेंद्र से तंग आकर प्रियंका कई बार मायके चली जाती थी। 19 जनवरी को भी प्रियंका अपनी ननद के घर गांव नेवल जा रही थी। शैलेंद्र ने उसे फोन करके अपने खेतों के पास रास्ते में रोक लिया और कहने लगा कि कोर्ट में जाकर लव मैरिज कर लेती हैं, इससे उन्हें 5 लाख रुपए मिल जाएंगे और वो प्रियंका के खाते में आएंगे। प्रियंका मान गई और शैलेंद्र उसे लेकर कोर्ट पहुँच गया। वहाँ पहुँचने के बाद उसने प्रियंका से कहा कि कागजात बनाने में कुछ समय लगेगा, एक दिन हमें साथ में रुकना पड़ेगा। शैलेंद्र प्रियंका के मर्डर की पूरी प्लानिंग पहले ही कर चुका था, इसलिए उसने बहाने से प्रियंका को अपने पास रोक लिया। शैलेंद्र प्रियंका को खेत में बने कमरे में ले गया। वहाँ उसने पहले शराब पी और उसके बाद प्रियंका के सिर पर ईंट मारकर उसकी हत्या कर दी। बाद में आरोपी पराली की आग में उसे फेंक कर चला गया। इस तरह उसने अपने शक के चलते अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। बाबूराम के नाम से है, खेतवाड़े से अननोन की। अब तो ये मेरी बात मानती नहीं है। उनकी 10 साल पहले 2010 में शादी हो रखी है, 12 साल हो चुके। तो उनका एक लड़का है ना, तो उसको खाने के लिए टाइम पे खाना देती है, वो कहती है भाई तेरा फादर देगा ना, उसको ये बताती कि मैं कहाँ जा रही हूँ, किस टाइम आऊँगी, उसको इग्नोर ही करती थी। उस चीज़ की उनके आपस में कहा सुनी हो जाती थी, कहा सुनी होते ही वो अपने घर चली जाती थी इस चीज़ के, और वो उस पर शक करता था। वो कहती थी कि तू मेरे पे शक क्यों करता है, कोई वो नहीं है। तो इस चीज़ की उनमें दूरियां बनी हुई थी, तो इसके वो का बिल्कुल फैटअप होने के बाद उसने ये काम किया है। आरोपी शैलेंद्र ने पूरी प्लानिंग पहले ही कर ली थी। उसने अपने मामा को फोन कर FIR भी दर्ज करा दी थी, लेकिन अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून के हाथ उसके गिरेबान तक पहुंची जाते हैं। शैलेंद्र ने भी हत्या की भरपूर साजिश की थी, लेकिन उसकी ही दर्ज करवाई FIR ने प्रियंका की तलाश कर ली और फिर पुलिस ने धीरे धीरे कर हत्या की पूरी गुत्थी सुलझा ली। वाली तो 10 साल से शादी हो रही थी, इसको एक झांसे में दिया इसने शैलेंद्र ने। अगर भाई सरकार का एक प्रावधान है, अगर हम लव मैरिज करेंगे तो हमारे अकाउंट में 5 लाख रुपये आएंगे। ये इसको 18 तारीख को वहाँ नेवल में बुला ली, इसको कोर्ट में करनाल कागज, अब मैंने कागज बनवा लिया, एक चक्कर भी कटा लिया, इसको अपने बात ये बनती तो इनकी थी नहीं, इसको बुला लिया कि भाई तेरे अकाउंट में 5 लाख रुपये आ जाएंगे। तो इस प्रकार ये इसको अब बोले एक रात है ना, चलो बरसाने खेतों में ही रुकते हैं, क्योंकि ये बरसाने का रहने वाला था। और अब CIA 1 टीम को बहुत बहुत बधाई हो। ये रहते कुरुक्षेत्र में? हाँ, ये रहते कुरुक्षेत्र में थी। पॉइंट मारने के बाद सर इसको जिंदा जला देंगे? हाँ, ये आदमरी थी उस टाइम पे जब इसने उसको होदी में भी उसका सर मारा और ईट भी मारी और फिर उसको पराली इसने जला के, पहले तो वह ये सिक्के हैं 1.5 घंटा इसने ड्रिंकिंग करी है, उसके बाद इसने उठा कर उसको उसमें पराली में दे दी। उसके हाथ रखे थे ना, मैंने आपको बताया। हाँ, एक लड़का है इनको, 6 साल का लड़का है, और बढ़ती तो इनकी थी नहीं, क्योंकि नहीं इकट्ठे, कभी इकट्ठे रह जाते थे, कभी अपने घर आ जाती थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले में आगे की तफ्तीश भी शुरू कर दी है।
ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।